सो फाइनली आज हम लोग गेमिंग कर्स करने वाले हैं वन प्लस के वन प्लस 11 5G में। ये फ़ोन को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ इसको मैंने एक्सपीरियंस किया, बट आज के वीडियो में हम इसका एक गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। इसका हम लोग पबजी खेलने वाले हैं, देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है, फ़ोन हीटअप होता है कि नहीं होता, गेमिंग फ़ोन है कि नहीं है, बैटरी कितना जाता है, स्मूथ गेम प्ले है कि नहीं है, 90 FPS बहुत है कि नहीं है। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है इस फोन का एक फर्स्ट लुक, ये है इधर हमारा कैमरा का सेटअप, इधर इसका पैक बैक हीटअप होता है कि नहीं मैं आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बता दूंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। एंड ये इधर हमारा बैटरी जो कि है करंटली 61% पे। सो अभी हमारा गेमिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फोन में हमें देखने मिल जाता है 12 GB रैम विथ 256 GB। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ़ोन का जो गेम प्ले होगा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा, एंड स्मूथ हो भी क्यों ना, स्मूथ होने के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इतने टाइम बाद एक पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें हमें 90 FPS का ऑप्शन देखने मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो हम लोग 90 FPS खेलने वाले हैं अल्ट्रा USG में, मतलब जो ग्राफिक का जो लेवल होने वाला है ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एक काम करते हैं, हम लोग खेलते स्मूथ है 90 FPS पे, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। अप्लाई कर दिया है इधर मैंने 90 FPS। सो अभी हम लोग खेलने वाले हैं एक TDM का गेम, देखेंगे कि मज़ा आता है नहीं आता है, कैसा है इसका गेम प्ले। सो अभी इधर हम लोग का गेम लोड हो रहा है। तो पर्सनली मैं गेम को 3 Finger खेलना पसंद करता हूँ, आप लोग कैसे पसंद करते हो खेलना था मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो अभी हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। हाँ, फर्स्ट किल से हमें बहुत ज़्यादा करीब थे, बाय इधर हुआ नहीं। एंड अभी मैं गेमिंग एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को इधर थोड़ा स्मूथ तो फील हो रहा है खेलते टाइम। लास्ट वीडियो जो हम लोग का सैमसंग में था फोल्ड फ़ोन में, वो तो बहुत ज़्यादा मेरे को वर्स्ट फोन लगा था गेमिंग के लिए, बट ये फ़ोन थोड़ा मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओप्पो फाइंड X6 प्रो में जो मेरा गेमिंग वीडियो था उससे तो काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे को गेमिंग के लिए। एंड इधर हम लोग का वंस अगेन फर्स्ट किल होते हुए रह गया। सो फाइनली इधर हम लोग का फर्स्ट किल हो गया। एंड आप लोग मेरे को अपना कमेंट्स में फेवरेट गन बता सकते हो, आप लोग कौन सा गन यूज़ करना पसंद करते हो TDM के लिए भी। एंड हम लोग का वंस अगेन सेकेंड किल भी हो गया। स्मूथनेस है फ़ोन में, स्मूथनेस है, बॉम्ब से मार गया, पर स्मूथनेस है फ़ोन में। 90 FPS में खेलने का मज़ा तो है। ऊपर से फोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है गेमिंग के लिए। एंड अभी दो लोग हैं, तो सामने जितने भी लोग आए हैं स्क्वाड जो आई है बहुत ज़्यादा प्रो लोगों की स्क्वाड है वो। सो अभी हम लोग चल रहे हैं 9 points पे, सामने वाला अभी भी 10 पे है। सो वंस अगेन थर्ड किल हुआ। तो सामने वाली टीम स्क्वाड का जो कॉम्बिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम लोग से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है उन लोगों का। हाँ, एंड 4 kills इधर हम लोग के हो चुके हैं, 12 में से 4 kills हम लोग के ही है, 30% किल्स अपने ही हैं। क्लोज मैच है काफ़ी, तो बस एक लास्ट पॉइंट चाहिए हमको जीतने के लिए, नहीं उनको जीतने के लिए। सर फाइनली हम लोग इधर अपना गेम ज़रूर हार चुके हैं, बट पर्सनली फ़ोन में जो गेमिंग एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा मेरे को ये फ़ोन में अपना गेमिंग का एक्सपीरियंस। तो 90 FPS सच में वर्थ तो है, एंड ऑल्सो ये 90 FPS का जो ऑप्शन है हमें सिर्फ और सिर्फ यही फ़ोन में देखने मिल जाता है, बाकी कोई हमें फ़ोन में देखते नहीं मिलता। अभी इतने टाइम में हमने आईफोन एंड काफ़ी सारे फ़ोन में गेमिंग किया, बट जो 90 FPS है हमें सिर्फ और सिर्फ ये फ़ोन में देखने मिला है। तो फ़ोन का कॉम्बिनेशन है अच्छा डिस्प्ले एंड अच्छा बैटरी के साथ, वो इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा सूटेबल बनाता है गेमिंग के लिए। बट इधर मैं थोड़ा गेमिंग कर रहा हूँ तो इधर फ़ोन का जो बैक है सिर्फ एक ही गेम में, इधर जो कैमरा का एरिया है इधर हीटअप हो चुका है, झूठ नहीं बोलूँगा ये एरिया बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इधर हीटअप हो चुका है। इधर जो लेंस है इधर ग्लास का एरिया, इसलिए शायद हीटअप हो चुका है। सो ये गेम में भी रेड पॉइंट ने अपना चालू कर दिया अटैक करना।
सो ये गेम अभी हम लोग का स्टार्ट हो चुका है एनिमी से थोड़ा बहुत मरना, और अभी हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करने वाले हैं। ये फोन में गेमिंग करते टाइम एक स्मूथनेस बहुत अच्छा खासा फील होता है गेमिंग के लिए। कमेंट्स में कोई नूब नहीं लिखने वाला, कोई नूब नहीं लिखेगा, प्रोफेशनल हम लोग गेमर नहीं है, सिर्फ फोन का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम लोग गेमिंग कर लेते थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो इस चैनल पर जरूर बनता है। बट ये गेम में हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है, डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है पॉइंट्स में, सो चलेगा। वंस अगेन बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट था, एक तो मैं तो इतना स्कोप यूज़ करता नहीं हूँ तो इसलिए मेजोरिटी किल्स होते नहीं हैं, जो कि मेरे को करना चाहिए, वो मैं सीख लूँगा जल्दी। एंड यस फर्स्ट किल हो गया, तो 11 में से फर्स्ट किल हम लोग का हुआ। अरे असिस्ट किया था यार, ठीक है क्लोज था, कोई नहीं। अच्छा डॉच किया, जो भी था अच्छा डॉच किया। एक्चुअली लोग अपने बेस से ही कोई तो स्नाइपर यूज कर रहे हैं, गलती कर दी। आने तो अपना एक किल हो गया, तीन किल हो गए एक ही टाइम पे, अच्छा खासा किल ले लिया, बच गया बच गया। अरे बहुत क्लोज था यार, ठीक है कोई नहीं। सो अभी वीडियो को बनाते बनाते 8-9 मिनट्स हो चुके हैं। सो पर्सनली बोलूँ तो गेम खेलने में मज़ा अभी भी बहुत आ रहा है, जिसकी वजह से अभी सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों टीम्स के बीच में। तो आप लोग का फेवरेट गन कौन सा है मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बता देना, ट्राई करूँगा वो गन भी यूज़ करने का। आधे टाइम में गेम वो लोग कम्प्लीट कर चुके हैं, सिर्फ और 4 मिनट्स के आसपास गेम बचा हुआ है। सो यस ये वाला पॉइंट, ये वाला गेम भी हम हार गए, ये वाला मैच भी हम हार चुके हैं। सो अभी ये फ़ोन में, अभी मैं आपको कंक्लूजन दे दूँ कि ये फ़ोन में हमने 2 गेम्स खेले लगातार लाइन में बिना रुके नॉन स्टॉप। सो फोन का जो साइड्स है, एल्यूमिनियम फ्रेम है वो भी हीटअप हो चुका है थोड़ा, फोन का जो बैक है वो भी हीटअप हो चुका है, ये जो एरिया है ये भी काफ़ी कुछ हीटअप हो चुका है। सो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो चुका है, बट फ़ोन में गेमिंग करते टाइम काफ़ी ज़्यादा हमें स्मूथनेस फील हुआ था। एंड फोन का जो बैटरी है आप देख सकते हो सिर्फ 10 मिनट में 3% गिर चुका है, सो बैटरी भी डिसेंट है। फोन का पर जो वर्किंग है गेमिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड फोन जो है ओवरऑल इधर हीटअप हो चुका है। सो फोन का जो प्राइस है वो है 60,000 रुपीज़, पर ओवरऑल फ़ोन को गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ गेम चल रहा था, बहुत ज़्यादा इसका वर्किंग स्मूथ था। सिर्फ मेन प्रॉब्लम इसका ये कि फ़ोन इधर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, वो तो हमें मोस्टली हर वनप्लस के फ़ोन में, सैमसंग के फ़ोन में सेम प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। सो वही इधर एक हीटअप का था मेरे को इशू लगा, बाकी गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया ये फोन में, इसके डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा मस्त है, इधर कर्व एजेस है। तो ये था OnePlus 11 5G के गेमिंग वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और गेमिंग एंड और टेक वीडियोस के लिए। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहो जाके हमारे बाकी सारे गेमिंग वीडियोज़ देख लो। ओप्पो फाइंड X6 प्रो का भी वीडियो अपलोड किया है, फोल्डिंग फोन का भी वीडियो अपलोड कर लिया, चेकआउट कर सकते हो आप लोग। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।